आपका एग्जाम जो साइंस का है वो 2 तारीख को है, क्लास 10 के बच्चों के लिए। आपकी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। आप क्वेश्चन को देख करके पहले एक बार अच्छे से उसे पढ़ लें, और जो क्वेश्चंस का लगे आपको जो उसका आंसर मैं आराम से दे सकता हूं तो उसको टिक लगा दें, उसको मार्क कर दें, ताकि आप जब आंसर बनाना शुरू करें तो लगातार अपने सही आंसर को लिख सकते हैं और उसे लिख दें। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ध्यान रखें कि आप लगातार क्वेश्चंस को बनाइए। इससे क्या होता है, टीचर को जांचने में सुविधा होती है और आपको नंबर भी वो देते चले जाएंगे अच्छी तरीके से, कहीं पे कटिंग का कोई चांस नहीं होगा। जो विद्यार्थी 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं उनके फिजिक्स के पेपर अभी बचे पड़े हैं, आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी आप भली भांति पहले पढ़िए, और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं कि मैं अच्छे तरीके से उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ, एलिबरेट कर सकता हूँ, आप उसी का आंसर लगातार दें। कोशिश करें कि आप ज्यादा लेंदी आंसर नहीं दें। क्लास 10 के बच्चे हों चाहे क्लास 12 के बच्चे हों, कभी कभी होता क्या है कि जब क्वेश्चंस का आंसर पता होता है तो ऐसे ही बस पन्ना भर दिया जाता है। नहीं, जितना आपसे पूछे आपको आंसर उतना ही देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।